नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम। सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। एक आम आदमी को जागरूक होना बेहद जरूरी है। यदि वो जागरूक नहीं है तो सिस्टम में बैठे अधिकारी उसे ऐसा फंसाते हैं कि वो सिस्टम की चक्की में फंसकर पूरी तरह से पिस जाता है। ऐसा ही हुआ है एक परिवार के साथ, जिसे दो तरफा मार झेलनी पड़ रही है। और एक तो इस परिवार की जमीन धोखे से हाथ से चली गई है, दूसरा इसी जमीन पर जो कर्ज था उसके नोटिस अब इस परिवार के पास आ रहे हैं। जबकि ये परिवार पिछले कई सालों से जमीन पर ना तो खेती कर रहा है, ना ही इसका कोई इस्तेमाल कर रहा है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए रायसेन से हमारे संवाददाता पवन सिलावट की ये रिपोर्ट। ये जो जमीन आप देख रहे हैं, ये चैनपुर गांव के रहने वाले गया प्रसाद अहिरवार को पट्टे में मिली थी। इसी 15 एकड़ जमीन के जरिए गया प्रसाद का परिवार भरण पोषण करता रहा। लेकिन करीब 4 साल पहले गया प्रसाद का निधन हो गया। पट्टे की जमीन को लेकर नियम है कि भूस्वामी की मृत्यु के बाद ये जमीन उसके वारिसों के नाम पर ट्रांसफर होती है, लेकिन उसके लिए भी कागजी कार्रवाई करनी होती है। लेकिन गया प्रसाद के निधन के बाद उसके बेटे मोहन ने फौती नामांतरण करवाया ही नहीं और मोहन अहिरवार ने जमीन को जोतना भी छोड़ दिया, यानी इसका इस्तेमाल करना छोड़ दिया। मगर मोहन को उस समय झटका लगा जब उसके पिता के नाम से नोटिस आने लगी। नोटिस में लिखा गया कि जमीन पर जो कर्ज लिया था उसका बकाया वापस करें। लेकिन मोहन का कहना है कि उसके पिता ने तो किसी तरह का कोई कर्ज लिया ही नहीं था। कब पता साहब, कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, हमें कब पता? कर्ज लिया है आपने क्या? नहीं लिया। नहीं लिया, कब से आ रहा है ये तो मेरे पास नोटिस? ये तो आ रहा है 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से आ रहा है? किसी ने कब्जा कर लिया क्या? कब्जा है दूसरों, दूसरों ने कब्जा कर लिया। जब पिता ने कर्ज नहीं लिया तो नोटिस कैसे आया और गया प्रसाद के नाम ही कैसे आया, कहानी बेहद उलझी। दरअसल हुआ ये है कि जब गया प्रसाद की मौत हुई तो सिस्टम में बैठे अफसरों ने खेला खेल, जमीन के नाम से कर्ज भी लिया और इस जमीन का नामांतरण किसी राम प्रसाद के नाम पर कर दिया गया और गया प्रसाद के बेटों का नाम कागजों से गायब हो गया। और ये पता चलने के बाद मोहन ने कलेक्टोरेट जन सुनवाई में आवेदन दिया और गुहार लगाई कि उसे जमीन वापस दिलाई जाए। क्या बात के लिए गया भैया, कहां मेहनत मजदूर कर 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 परेशान है, हमरे सुतर गुजर गए था, हमरे पास लोटा सा आ रहा है। कर्जा दियो, हम कहां से दा? तो काय के कर्ज के आ रहा है ये जमीन थी आप? कर्ज के आ रहा है, जमीन हमरे पास है नहीं है। तो पहले थी तुम्हारे ससुर के? है थी हमरे ससुर के, तब ससुर खत्म भए और के गांव गई थे, हमें पता ही नहीं है कौन जोत रहा कहां है पता। तो किसी ने कब्जा कर रखा है क्या? कब्जा कर रखा हो कोई ने, इसलिए आप यहां? ना को पता नहीं गांव, पता कौन गांव को कहां को कब्जा, कब्जादार कब्जादार। तो आप क्या करोगे, आप चाहते हो जमीन मिले आपको? चाहते हैं जमीन मिले, तेजे हम कलर के लिए। अब जमीन का नामांतरण किसने किया, आरोप बाड़ी के तहसीलदार और पटवारी पर लग रहे हैं, क्योंकि राजस्व संबंधी सारे काम इन्हीं अफसरों के पास हो। अब जनसुनवाई के बाद पूरा मामला कलेक्टर के ध्यान में आ चुका है, लिहाजा एसडीएम ने दस्तावेजों का परीक्षण कर कार्रवाई की बात कही। आवेदन है, एक व्यक्ति है, उनका एक आवेदन है जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि उनकी जो पट्टी की भूमि है वो नामांतरित कर दी गई किसी और के भूमि स्वामी सत्ता पर। इसके संबंध में मेरा ये कहना है कि इसमें जो दस्तावेज हैं जिनके माध्यम से उसका इस तरह का तथाकथित नामांतरित हुई है वो भी, उनके दस्तावेजों के परीक्षण के बाद हम आपको इसमें बता पाएंगे कि इसकी सत्यता क्या है। यानी साफ है कि एक दलित परिवार को उसकी जमीन से बेदखल कर दिया गया है, लेकिन आला अधिकारियों को इस बारे में कुछ पता ही नहीं। जबकि पट्टे की जमीन से कोई किसी को बेदखल नहीं कर सकता, सरकार ही अक्सर ये आदेश देती रहती है। कुल मिलाकर मोहन को और उसके परिवार को इंसाफ का इंतजार है। अब ये केवल मोहन का मामला नहीं है, बल्कि ऐसे कई मामले होंगे। अब ऐसा होता क्यों है? दरअसल इसमें सिस्टम में बैठे अधिकारी जिम्मेदार हैं और एक तरह से उन्होंने मोहन की मजबूरी का फायदा उठाया है। यदि मोहन जागरूक होता तो शायद अधिकारी ऐसा करने में 10 बार सोचते। अगर आप भी सिस्टम से हैं परेशान तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दसूत्र की सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन आपकी मदद करेगी। अगली बार किसी और मुद्दे को लेकर आपसे होंगे रूबरू, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।